दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे रुख करते हैं। कॉन्सेंट्रेटर बैंक शुरू कर रहे हैं, ये क्या है, इसकी क्या जरूरत है, क्या काम आएगा? अक्सर देखा जा रहा है कि किसी को कोरोना हुआ, उनकी ऑक्सीजन कम होने लगी, अगर उनको तुरंत ऑक्सीजन दे दी जाए तो उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ने से बचाई जा सकती है, अगर उन्हें समय पे ऑक्सीजन नहीं मिलती तो उनकी तबीयत बिगड़ते बिगड़ते इतनी बिगड़ जाती है कि कई बार उनको फिर आईसीयू ले जाना पड़ता है और कभी कभी तो उनकी मौत हो जाती है। इसलिए कोरोना के मरीज को समय पे ऑक्सीजन मिलना बहुत ज़रूरी है। ऐसे मरीजों के लिए हमने ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बैंक बनाया, OCB बनाया। हमने दिल्ली के हर ज़िले में 200-200 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का बैंक बनाया है। ऐसे मरीज जिनका इलाज घर पे हो रहा है, वो होम आइसोलेशन में है, अगर उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है तो 2 घंटे में हमारी टीम उनके घर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर पहुंचा देगी। कोई टेक्निकल आदमी भी साथ जाएगा जो उस घर के लोगों को समझा के आएगा कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर को कैसे इस्तेमाल करना है। इसके अलावा ऐसे कई लोग होते हैं जो अस्पताल से ठीक होके जब घर जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि कुछ दिन घर पे आपको ऑक्सीजन लेनी पड़ेगी। ऐसे लोगों को भी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बैंक से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर दिलवाया जाएगा, उनके घर भी हमारी टीम जाके ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर देके आएगी। हमारे डॉक्टर्स ऐसे सभी लोगों के लगातार संपर्क में रहेंगे जिन्हें ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर दिया गया, अगर उन्हें अस्पताल भेजने की बीच में ज़रूरत पड़ी तो उन्हें अस्पताल भी भेजा जाएगा, और जब वो ठीक हो जाएंगे तो उनसे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर वापस लेके सैनिटाइज किया जाएगा और फिर किसी दूसरे मरीज के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को कोरोना है लेकिन वो किसी कारणवश हमारे होम आइसोलेशन का हिस्सा नहीं है तो आप 1031 पे फ़ोन करके हमारे होम आइसोलेशन का हिस्सा बन सकते हैं और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की मांग कर सकते हैं। पर हमारे डॉक्टर्स की टीम पहले ये सुनिश्चित करेगी कि क्या आपको वाकई ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की ज़रूरत है या नहीं है। अगर डॉक्टर्स की टीम कहती है तो आपके घर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भिजवाया जाएगा। ओला फाउंडेशन और गिव इंडिया ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर को हर घर तक पहुंचाने में हमारा सहयोग कर रहे हैं, उनसे उनके सहयोग के लिए हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। इतनी बड़ी आपदा से हम सब मिलके ही पार पा सकते हैं, अकेले नहीं हो सकता। नमस्कार।